सो गाइस, अभी हमारे साथ शेफ़ कुरैशी जी हैं जो कि मैरियट के अवधि किचन के हेड शेफ़ हैं। 54 परांगन इनके वजह से आज जो है इतना फेमस है और आज हम भी इसीलिए यहाँ पे आए हैं। तो शेफ़ बताइए कि ये जगह इतनी स्पेशल क्यों है, क्यों यहाँ पे अलग क्या हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते, माय नेम इज़ अंशार कुरैशी, मैं इंदौर मैरियट 54 परांगन का शेफ़ जो कि इंडियन कुजीन। जनरली इंदौर में लोग चटपटा, तीखा और लाइक जीरा वन स्पाइसेस को खाना बहुत पसंद करते हैं। बट अगेन अगर हम अपने खाने के बताया जाए कि अवधी खाना जो प्रमोट करते हैं उसका टेस्ट बैलेंस, अरोमेटिक और रिची होता है। और जनरली लोगों को स्वाद में जो एक जायका चाहिए वो इंडियन खाने में सबसे ज़्यादा बेस्ट अगर देखा जाए तो अवधी खाने में। बहुत बढ़िया। ये कंसेप्शन होता है कि अवधी खाने में वेजिटेरियंस के लिए कुछ नहीं होता है। आज क्लियरली वो तो मैंने प्रूव कर दिया रॉन्ग है। आप क्या कहना चाहेंगे? सेम लाइक कि लोगों की विचारधारणाएँ बिल्कुल सेम और सिंपल क्लियर है कि नॉनवेज में ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। बट अगेन अगर दिल से देखा जाए तो वेज में इतने ऑप्शंस हैं कि अगर खाना शुरू किया जाए तो ऑप्शन कभी नहीं ख़त्म होंगे। जैसे कि हमारे खुद के अपने आउटलेट में मेन कोर्स में ले लिए, स्टार्टर्स में ले लिए, ज़ाफ़रानी पनीर हो गया, भरवा मशरूम हो गया, पतौड़ी भरवा आलू हो गया, पेशावरी शामी हो गया, दही के कबाब हो गया, मैनी मोर थिंग्स जो है काफ़ी जो आपको वेजिटेरियन में मेन कोर्स दाल वो दाल दम हो गई, आलू बुखारा कोफ्ता हो गया, सब्ज़ नौरतन हो गया, या जितने भी वेजिटेबल्स ऑप्शन हैं जो आपको जायकेदार और टेस्ट और बेस्ट चीज़ें खाने को मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपके और आपकी टीम की वजह से मेरा जो स्टे है और यू नो बहुत 5 to 7 स्टार हो गया। थैंक यू शेफ, थैंक यू। Creamy, it's so delicious. You can taste the flavor, the richness, and now the whole, the making process, the whole Awadhi process that is going on. And Shef Qureshi is really a gem. She's really a treasure. These guys are so lucky to have a Qureshi here because they are the pioneers of Awadhi food. When it comes to Lucknowi meals, Qureshi family has its hands on it. So guys, after that amazing appetizer, अब तो main course से expectation कुछ ज़्यादा हो गई है। तो ये कोफ्ता जो है किस तरह से बनाया गया है, ये दिखता है, इसको देख के हाथ लगा के पता चल रहा है कि बहुत एफर्ट लिया गया है। अभी ऑन टू आवर फेवरेट दाल मखनी। यार दाल मखनी तो है ना, मैंने पंजाब से जो खाई है उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कहीं और उन एक्सपेक्टेशंस मीट हो रही है। लेकिन इनका जो कुजीन है वो पंजाब और कश्मीर से बड़ा ही मिलता जुलता है, क्योंकि इन तीनों ही कुजीन्स में जो लखनवी अवधी कुजीन होता है मसाला जो है एक बैलेंस तरीके से यूज़ होता है। सो दैट इज़ द डिफरेंस विच यू विल फाइंड वर्सेस अदर कुजीन्स इन इंडिया, द पंजाबी, कश्मीरी एंड द अवधी कुजीन। अब दाल मखनी तो पंजाब का क्या बोलते हैं बर्थ राइट है। अब देखते हैं यहाँ पर कैसे बना। ओह, there's a strong masala, there's a strong aftertaste that is coming in, making sure कि आप जो उसका टेस्ट है, जो फ्लेवर है, जो तड़का है वो आप बहुत देर तक नहीं भूलें। मुझे लगता है इसको पंजाब का कंपटीशन नहीं, पंजाब से बेटर विनर कह सकते हैं हम। सो ये इसमें जो टेक्सचर है और जो टेस्ट है, आफ्टर टेस्ट है, तीनों का कॉम्बिनेशन है। लगता है बहुत देर से इसको मतलब प्यार से, दिल से, शिद्दत से, जिस तरह से कहते हैं ना, बनाया गया है। तो गुड जॉब शेफ़, एंड एज आई सेड, they are not chefs, they are magicians out here. Wow, chef from me. Put in this one and prepare with it. Add some dry fruits. ये बहुत सारे dry fruits क्यों दिख रहे हैं इसमें? Dry fruits. Okay. Okay. Almonds. Cashew nuts. Cashew nuts. Almonds. Oh my God. ये कोई treasure तो नहीं है यहाँ पर, मतलब आपके यहाँ पे? Okay. बहुत सही है। So guys, अभी हम इनका most एक किचन से एक्सपेंसिव वाला जो वर्थ जो बोल रहे हैं ना, मेहनत, ड्राई फ्रूट, रॉयल, जो बोलना है बोल लो, बट ये मैं ट्राई कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि कैसा है। ओहो, मतलब हम वेजिटेरियंस के लिए तो बिरयानी नहीं हो सकती, तो आपने इसको थोड़ा प्यारा नाम देके अच्छा बना दिया। चलो अच्छा, थैंक यू थैंक यू। सो ऑल दोज बिरयानी लवर्स, आई नो आप वेजिटेरियंस के बारे में क्या सोचते हैं, बट आप जब मैरियट में जब 54 परांगा में आते हैं तो आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि मेरे ख्याल से इक्वल परफेक्ट बैलेंस है मेनू पे। यहाँ पर आप वेज हो या नॉन वेज हो, आपको फ्लेवर तो हर चीज़ में मिलेगा, तो इसकी तो गारंटी है। बाकी आपके ऊपर है आप क्या खाना चाहते हो, राइट। एक सिंपल सी राइस डिश को कितना प्यारा बनाया जा सकता है, आई थिंक ये आपको यहाँ पता चलता है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई एम अ बिग फैन ऑफ इंडियन कुजीन, बट इवन बिगर फैन व्हेन there are people who are behind the scenes and taking effort। मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब ये बहुत प्यार से बनाया गया है, कोई जल्दी नहीं, और थोड़ा वेट करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर जब बना के लाते हैं फ्रेश टू मेड, फ्रेश टू ऑर्डर बन रहा है आपका, तो माइक्रोवेव में गर्म करके नहीं ला रहे, तो अगर वो पेशेंस और वो टेस्ट का जो आपको है तो आप ज़रूर आते हैं यहाँ पे। इस वी आर नाउ ऑन टू द मेन स्टार अट्रैक्शन ऑफ आवर इवनिंग, आवर डेजर्ट। एज यू हर्ड देयर इज अ बिग फ्यूजन व्हिच इज़ बीइंग डन हियर। So parfait. So usually a parfait I would get it properly, in one of those continental places. But I think this is to balance the, the flavors of people who are coming here, because they just don't have, Indian tourists. They have international tourists as well. So I think this is a nice way to connect with them. Oh yeah, this connects with me at every level possible right now. I think all my senses are currently active. And they're making sure that I make all the use of it. Good job, guys. Good job.